हेलो फ्रेंड्स, आज की ये जो दोकाई है ये जापानीज लैंग्वेज के एडवांस लेवल की दोकाई है, यानी कि अनसीन पैसेज। और इस पैसेज के थ्रू आज हम ये सीखेंगे कि फिल्टर मेथड से, यानी कि बाकी सब इन्फॉर्मेशन को हटा के एक जो काम की इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके किस तरह से हम जापानीज लैंग्वेज की दोकाई को एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक आंसर निकालना है अपनी तरफ से। कोई भी आंसर हो, बिना डरे एक आंसर निकालें, चाहे वो गलत हो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले अपनी तरफ से एक आंसर निकालें। तो आई होप इस वीडियो को आप पॉज करके एक आंसर अभी के अभी निकालिए। ओके गाइस, तो ये जो दोकाई है ये काफ़ी इजी है, कंपैरेटिवली इजी है मतलब, और इसका आंसर भी आपने सही निकाला होगा, थर्ड है इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं कैसे है। साइकिन हितोनो कोयो निंच किश्तारी काकारितामो जियो योमी तो तरी सुरु प्रोग्राम का स्कावर योनी नाते की तेरू। आजकल ऐसे भी प्रोग्राम्स आ गए हैं जो कि किसी व्यक्ति की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर लिखी हुई मोजी मतलब अल्फाबेट्स कैरेक्टर्स को योमितोरू कर सकते हैं। योमितोरू का मतलब होता है उसको पढ़ना और पढ़ के रिकॉग्नाइज कर लेना, यानी कि एक तरह से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़ होने लग गए हैं। सोचते तातोएबा कोनो प्रोग्राम व दोनों ही दोनों कोई देमो नीचे की शुरू को तो का देखी मास तो यू सच मेगा शिबा शिबा नासारेरू। फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एक्सप्लेनेशन अक्सर होती है कि ये जो प्रोग्राम है ये लोगों की वॉइस को निंची की कर लेता है, यानी कि रिकॉग्नाइज कर लेता है, कोतोगा देखिमास कर लेता है। शिकाशी सोरेओ मोजी दोरी नी शिन्योश तरिश्ते वा नारा नाई दारो, लेकिन इसको ना आप वो कह रहे हैं कि मोजी दोरी यानी कि जैसा जैसा बताया गया, जैसा जैसा लिखा गया है वैसा वैसा कंप्लीटली ट्रस्ट ना करें। क्यों? उसका रीज़न दिया हुआ है दोनों ही दोनों को देमो तो इतना तो की, तो जब वो कहते हैं कि दोनों ही दोनों को देमो किसी भी व्यक्ति की बात, किसी भी व्यक्ति की आवाज़, तो उससे उनका मतलब दानशीनो ओतोनानो कोए, उससे उनका मतलब होता है कि एक मेल व्यक्ति और वो भी एडल्ट मेल व्यक्ति की कोए नारा होतोंदो किकी वाकेरू। यूजुअली वो मतलब होतोंदो मतलब ऑलमोस्ट, यानी कि कम्प्लीटली उसको हिकी वाकेरू कर लेता है, सॉरी किकी वाकेरू कर लेता है, यानी किकी वाकेरू होता है डिस्टिंग्विश कर लेना कि हाँ भाई ये जो है ये मैन की वॉइस है, मैं इसको रिकॉग्नाइज कर लूँ। तो ये कोतो इमिश तेरू, ये इसका असली मतलब होता है कोतोगा को, ऐसा अक्सर होता है। जोशीनो कोए या रोजिनो शिवा शिवा गा करेता कोए, लेडीज़ की वॉइस या फिर जो बूढ़े लोगों की, एक शिवा गा करेता का मतलब है कि एक अनक्लियर वॉइस जो होती है उनकी, जो थोड़ी सी अनक्लियर रफ वॉइस होती है, या फिर कोदोमोनो कोए या फिर बच्चों की जो आवाज़ है नीच हुईते वा कुमाकु नीच की देखी नहीं तो यू बाएगारू, उनके बारे में यानी कि उनके केस में वो ठीक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं भी कर पाता है। ऐसे भी बहुत केसेज हैं यानी कि सिर्फ मेल वॉइस एडल्ट वॉइस को ज़्यादा अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करता है और बाकी वॉइस को नहीं कर पाता है। तो मुंदई में यही पूछा था, सोरे मोजी दोरी नी शिन्योश तरिश्ते वा नारा नाई, तो दोष थे क्यों उसको बिल्कुल हमें एज इट इज़ एक्सप्लेनेशन को बिलीव नहीं करना है, क्योंकि इसका आंसर है, तो मतलब इसका आंसर है थर्ड, दानसेनो कोएशिका निश्की देखी नाई बाई गारू गारू, क्योंकि ऐसे भी केसेज हैं जो सिर्फ वो मेल की ही वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, बाकी जितने भी दिए हुए हैं रोजिन जोसे कोदमो उनकी वॉइस नहीं भी रिकॉग्नाइज करता है, ऐसे भी केसेज हैं।